प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी दौरे पर आने वाले हैं। पीएम के दौरे के मद्देनजर तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल सफेद रंग की मस्जिद को हल्के गेरवे रंग से रंग दिया गया है। वाराणसी विकास प्राधिकरण की ओर से हो रहे रंग रोहन कार्यक्रम के तहत ऐसा किया गया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने के लिए वाराणसी आएंगे। विश्वनाथ मंदिर की ओर से जाने वाले रास्तों की इमारतों को रंग रोहन किया जा रहा था। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि ऐसा करने का मकसद एक रूपता का संदेश देना था, लेकिन अब मस्जिद से जुड़े लोगों में काफ़ी रोष है और उन्होंने इसकी शिकायत आला अधिकारियों से भी की है। बताया जा रहा है कि अधिकारियों ने मस्जिद से जुड़े लोगों को आश्वासन देते हुए वापस मस्जिद का रंग पहले जैसा सफ़ेद कराया जा रहा है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने 13 दिसंबर को वाराणसी आ रहे हैं। वहीं मस्जिद के देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया कमेटी के मोहम्मद एजाज इस्लामी के मुताबिक मस्जिद का रंग रातों रात बदला दिया गया है। वह आगे कहते हैं कि अगर कुछ करना भी था तो एक बार पहले बात कर लेनी चाहिए थी। यह मनमानी और तानाशाही है। पहले उनकी मस्जिद सफ़ेद हुआ करती थी, जो अब केसरिया रंग में रंग दी गई है। वहीं अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की जॉइंट सेक्रेटरी सैयद मोहम्मद यासीन ने भी अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज की। सैयद मोहम्मद यासीन का कहना है कि साजिश के तहत मस्जिदों का रंग बदला जा रहा है।